बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो है वो शेयर करूँगी, जो कि अक्सर आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं और कुछ आपको एसईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे पूछी जा सकती हैं। लाइक एसईक्यू आपको सिनेरियो बेस किया जा सकता है, तो उसमें वो वैल्यूज़ दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसको आप किस तरह से डायग्नोज वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको ये वैल्यूज़ जो है एक दफ़ा आप ज़रूर इनको गो थ्रू कर लें, कोई ना कोई तो इसमें से ज़रूर आ जाती होती है और आपको भी जो है इससे याद रहेगी। ठीक है, MBBS BDS वगैरह सबके लिए जो मेडिसिन कर रही है जाहिर है उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वाइवा में भी अक्सर जो है पूछा जा सकता है, जिसकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल है तो वैक्सीनेशन स्केड्यूल में हेपेटाइटिस बी जो है वो हम कब दे सकते हैं। ठीक है, इनके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो किस किस मंथ में किस एज में जो है वो लगाई जा सकती है। ठीक है, इस तरह से डिफ्थेरिया की, ठीक है, टेटनस की आ जाती है, इन्फ्लुएंजा की आ जाती है जिसमें टाइप बी है, 2, 4, 6 और 12 मंथ्स के जो बेबीज़ हैं उनमें उनको हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूमोकोकल, मीजल, मम्स, ठीक है, मेनिनजियोकोकस, ये सारी आपने जो है एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेना है। आप इनके स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से वैल्यूज़ जो है वो याद हो जाए। एक दफ़ा ही आपने सिर्फ इनको देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो एज आ कि आप किस तरह से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद देन आ जाता है सम यूज़फुल रेफरेंस वैल्यूज़ हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जैसे कि RBCs आ जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो तो आपको पता होना चाहिए, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, ये पेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर, MCQ में भी आपको पूछा जा सकता है, फाइवा में तो मोस्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन RBC की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिकुलर साइड, ठीक है, मेल में और फीमेल में सब में डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन एंड RBC, ठीक है, एंड मीन सेल वॉल्यूम। ठीक है, इन तीनों चारों की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, आपने फिजियोलॉजी में भी की होंगी लेकिन यहाँ पे भी एक दफ़ा आपको गो थ्रू करना होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो में ही एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, जब प्रॉफ से पहले आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो वेल एंड गुड। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 to 9.0 × 10.9 ml। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल्स, ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी सब की अपने कैसे प्रिपेयर करनी है, WBC की जो है ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन की वैल्यूज़, ठीक है, ब्लड की आपको बतानी चाहिए, प्लेटलेट काउंट कितना होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, इसका आपको बताना चाहिए, 10 to 13 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पहले भी की हुई है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी कितना नहीं पूछा जाता है, ब्लीडिंग टाइम आपको बताना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको बताना चाहिए, प्लेटलेट काउंट आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद TCT ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका टाइम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्यूनोलॉजी देखें, इसमें हमारे पास जो जितनी भी IgA है, IgD, IgE, IgG, IgM, इन सब की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देख लेना है, बाकी दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ बाकी सारी आपने रूमेटॉइड फैक्टर जो है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ASOT इन अडल्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें ताकि आप इसको बाद में गो थ्रू कर सकें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट आपके हमारे पास आ जाते हैं अदर इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए, इनमें यूरिया जो है, यूरिक एसिड, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एमाइलेज, लाइपेज और एसिड फॉस्फेट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल में यूरिक एसिड की वैल्यू जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिनिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकें। ठीक है, मोस्टली MCQ में ही ये दी जाती हैं और वाइवा में कभी कभी कोई टीचर हुआ सा तो वो पूछ लेता होता है। ठीक है, उसके बाद आयरन एंड ट्रेस मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इनका ही पता होना चाहिए, कैल्शियम, सीरम लेवल, ये मेन है, इनको आपका पता होना चाहिए, मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस जो है वाले जो हैं दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपर, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, इनऑर्गेन फॉस्फेट यानी कि सीरम लेवल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सीरम लेवल का जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाती है एसिड बेस वैल्यू, एसिड बेस एंड ब्लड गैसेस। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, इसकी आपने देख लेनी है, ऑक्सीजन की ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ये बस इनको आपको चेक कर लीजिएगा। जो लीवर फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके आपको पता होने चाहिए, इसके टेस्टिस में एल्ब्यूमिन की वैल्यू, ग्लोबुलिन की वैल्यू, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, अल्कलाइन फॉस्फेट की वैल्यू आपको पता होने चाहिए और प्रोटीन के टोटल कॉन्टेंट आपको पता होना चाहिए।
देन कार्डिक टेस्टिस में आपको मायोग्लोबिन, ठीक है, इसका ज़्यादा पता होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में पता होना चाहिए। उसके बाद लिपिड्स आ जाते हैं, लिपिड्स में HDL, ठीक है, LDL, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दफ़ा खुद तो कर लीजिएगा। उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्टिस, इसमें हमारे पास जो वैल्यू थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिए और वीडियो जो है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद अदर हार्मोन्स में ACTH मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्टिसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद ट्यूमर मार्कर्स दो ही हैं, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है, बस इसमें यही आ जाता है, ठीक है। तो इसके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ